90 दिन के अंदर इस कानून में पीड़ित को जिन्होंने न्याय की गुहार की है उनको अपने केस का प्रोग्रेस ऑटोमेटिकली ऑनलाइन भेजा जाएगा। हमने इसके अंदर 7 साल और उससे ज्यादा सजा वाले सभी गुना में फॉरेंसिक की टीम की विजिट को कंपलसरी कर फॉरेंसिक एविडेंस को कानूनी जामा पहनाने का काम किया है। मैं मानता हूं कि इससे बहुत फायदा होगा, दोष सिद्धि का प्रमाण हम बहुत आगे तक ले जा पाएंगे। साक्ष्यों की रिकॉर्डिंग और जांच पड़ताल में रिकॉर्डिंग की अनुमति दी है, वीडियोग्राफी को सर्च और सीजर के वक्त पर अनिवार्य किया है जिससे किसी को फंसाने की कोई साजिश न हो पाए। ई बयान बलात्कार की पीड़िता का या छेड़खानी की पीड़िता का ई बयान को भी कानूनी माना गया है और कोर्ट में ऑडियो वीडियो के माध्यम से पेशी करने का भी प्रावधान हमने किया है। ई पेशी में गवाह, आरोपी, विशेषज्ञ और पीड़ित सभी को कानूनी जामा पहनाने का काम किया है। इसमें जो फॉरेंसिक विजिट को अनिवार्य बनाया गया है इसको हमने दूरदर्शितापूर्वक काम कर नेशनल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी 2020 में बनाकर इसके लिए ट्रेन मैन पावर का सर्जन का काम ऑलरेडी कर चुके हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि 3 साल के बाद इस देश में हर साल 40,000 से ज्यादा ट्रेन मैन पावर का फोर्स हमारी कानूनी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की सेवा में उपलब्ध होगा। कमीशन का रेशियो इसके माध्यम से 90% तक ले जाने का हमने प्रावधान किया है और फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए अभी अभी हमारी कैबिनेट ने निर्णय किया है और 9 राज्यों में फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के कैंपस खोले जाएंगे और 6 सेंट्रल फॉरेंसिक लेबोरेटरीज को भी हमने करा है। ये कानून विक्टिम सेंट्रिक, पहले दिनों तक किसी को पुलिस ले जाती थी, परिवार वालों को कोर्ट में आना पड़ता था। अब हमने कंपलसरी किया है कि हर थाने में रजिस्टर होगा और ई रजिस्टर भी होगा कि कौन सा अपराधी पुलिस की कस्टडी में है, जिसे हेबियस के माध्यम से कोर्ट में नहीं जाना पड़ेगा। तलाशी और रेड दोनों स्थिति में वीडियोग्राफी की जाएगी जिससे पुलिस के अधिकारों का दुरुपयोग न हो पाए और हमने अपराधियों को बेल को भी लंबे समय तक लंबित केसों में कानूनन बना दिया है जिसमें एक निश्चित समय मर्यादा अपराध के अंदर जो सजा है उसके अनुपात में हो जाने के बाद जेल सुपरिटेंडेंट की जिम्मेदारी होगी कि इसको बेल पर रिहा किया जाए। तो इसके लिए कोर्ट में किसी को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें विक्टिम को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, इन्फॉर्मेशन का अधिकार मिलेगा और नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति का भी अधिकार पहली बार भारतीय कानूनों में हम करने जा रहे हैं। 0 FIR, विक्टिम की FIR की प्रति की निःशुल्क प्राप्ति और 90 दिन में जांच का रिपोर्ट देने से इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। समय पर न्याय, लगभग 35 न्याय प्रणाली की 35 धाराओं में हमने समय मर्यादा निश्चित की है और ये टेक्निक के आधार पर प्रोसीडिंग्स होने के कारण भी समय पर न्याय मिलेगा। 3 दिन में FIR दर्ज करनी है, 7 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट पीड़िता के सार्वजनिक करनी है, 60 दिन के अंदर ही अपराध तय करने हैं और घोषित अपराधियों के खिलाफ 90 दिन के अंदर मुकदमा कायम करना है और आपराधिक मामलों में मुकदमे की सुनवाई के बाद ज्यादा से ज्यादा 45 दिन के अंदर जजमेंट की घोषणा करनी है। तो कई जगह पे हमने समय को कम कर बाध्य कर हमने जल्दी से न्याय मिल पाए इस दिशा में काम किया है। हमने 3 वर्ष से कम कारावास में, 60 वर्ष से अधिक उम्र में के लोग जो है इसमें पुलिस अधिकारी की पूर्व अनुमति अरेस्ट के लिए अनिवार्य करी है।